हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैजेट्स ज्ञान। आज मैं आपके लिए ओसाका का ट्राइपॉड अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और हो सके तो लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। इस ट्राइपॉड को मैंने अमेजन से ख़रीदा है। अगर आप इस ट्राइपॉड को ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चाहे तो खरीद सकते हो। अब बिना देरी किए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। OS 550 मॉडल वाला ट्राइपॉड, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और गुड लुकिंग भी है। इसे चाहे तो आप अमेजन से ख़रीद सकते हो। इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि ये बहुत ही अच्छा और गुड क्वालिटी का है और अच्छे अच्छे ब्रांड के, जो आप बड़े ज़्यादा दाम लेके ख़रीद सकते हो, उससे कंपेटिव में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ड्यूरेबल भी है। इसकी मैं अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ। बॉक्स में ऐसे एक बैग के अंदर ये ट्राइपॉड आता है जो कैरी करने के लिए है। अब अगर आप कभी ट्रैवलिंग पे जाते हो, कहीं फ़ोटोशूट या घूमने, तो इस कैरी बैग में डाल लेके इसको जा सकते हो। इसकी पैकिंग कुछ इस तरह दिखेगी, ओसाका, और ये मॉडल है OS 550। लाइट वेट है, ट्राइपॉड है, मोबाइल होल्डर, आप इसमें मोबाइल लगा सकते हो, DSLR कैमरा लगा सकते हो। और इसके जो स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे DSO है, मैक्सिमम हाइट है 1365 mm, ऑलमोस्ट 55 inches, और मिनिमम हाइट है 415, बोल तो करीब 415 mm। फोल्डेड हेड, फोल्डेबल है, मैक्स यूट्यूब डायमिनेटर है। नेट वेट है इसका करीब 580 ग्राम आसपास, 600 ग्राम के आसपास है, और ये 5 किलो तक वेट संभाल सकता है दोस्तों, 5 kgs, जो एक अच्छी बात है। हाई क्वालिटी का है, ड्यूरेबल है, और बजटेड वो ट्राईपॉड है। इसका पैकिंग कुछ इस तरह होगा, इस तरह इस साइड आप देख सकते हो। स्मार्टफोन, एक्शन कैम, कैमरा, जी प्रो कैमरा, आईपॉड, सबके लिए मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। साथ में एक कैरी बैग आता है जो आप कैरी कर सकते हो अपने बैग पे, कहीं भी शूटिंग के लिए, कहीं भी आप ट्रैवलिंग में हो, कहीं भी हो, इसको इस तरह शोल्डर पे डाल के लेके जा सकते हो। और इस ट्राइपॉड की खास बात यह है दोस्तों कि इसके साथ मोबाइल होल्डर भी साथ में आता है। जनरली दूसरे ट्राईपॉड्स के साथ मोबाइल होल्डर नहीं आता है, इसको सेपरेट अलग से ख़रीदना पड़ता है। ये जो करीब 150-200 रुपये तक का रहता है, एक अच्छा क्वालिटी का ड्यूरेबल मोबाइल होल्डर है। आप इसको दो साइड से इसको लगा सकते हो, इधर से और इधर से भी। अब बात करते हैं दोस्तों ट्राईपॉड की, तो एक अच्छा क्वालिटी का एल्यूमिनियम बॉडी का ट्राईपॉड है ये, आप इसको देख सकते हो, अच्छी क्वालिटी का। यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर सकते हो, 3 अलग अलग लेग लॉक्स है जिसको आप खोल के इस तरह ऐसा एक्सपेंड करके इसको फिर लॉक कर सकते हो। और इसके साथ ये जो इसमें एक और एक ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसका ये जो क्लिप है होल्डर, मोबाइल होल्डर, या फिर आपको इस या फिर ये मोबाइल होल्डर, या फिर इसको
आप DSLR कैमरा भी इसको लगा सकते हो। इसको आप ट्राईपॉड से निकाल के सेपरेट करके इसको लगा सकते हो। जनरली बहुत से ट्राईपॉड में ये जॉइंट आता है, निकलता नहीं है, लेकिन इसमें आप इसको अलग सेपरेट से निकाल सकते हो। ये कुछ इस तरह का ट्राईपॉड है दोस्तों, जो हाई क्वालिटी का है, एल्युमिनियम बॉडी का है, मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बनाया गया है। तो दोस्तों खोलने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है ट्राईपॉड, आप देख सकते हो अच्छा क्वालिटी का है। इसके तीन लॉक्स है जिसको हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो लॉक खोल के। ये ओसाका ब्रांड का है। ओसाका OS550 इसको मैंने अमेजोन से लिया है। फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये पूरा ओपन करने के बाद कुछ इस तरह दिखता है फ्रेंड्स ये ट्राईपॉड। और इसमें एक और एक ख़ास बात है फ्रेंड्स कि इसमें आपको एक इंडिकेटर मिलेगा जो आपको बताएगा कि आपका ट्राईपॉड ठीक से बैठा है या नहीं, बैठा है या ज़मीन पे बराबर लगा है या नहीं। ये इंडिकेटर आपको लेवलिंग, इसकी लेवलिंग दिखाएगा। अब इसको देखते हैं। देखो ये है पिन, इसकी एडजस्टेबल पिन जिसको आप DSLR या फिर अपना स्मार्टफोन लगा सकते हो। इसको ऐसे निकाल के, जनरली दूसरे ट्राईपॉड में ये निकलता नहीं है, आपको डायरेक्टली फिक्स करना पड़ता है। जैसे कि इस पर आप ये जो मोबाइल होल्डर है इसको आप ऐसे यहाँ पे फिट करके इसको कुछ इस तरह फिट करके यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको मोबाइल, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मोबाइल में लगा के दिखाता हूँ। इसमें इसका ये जो 360 डिग्री होल्डर है इसको आप जिस तरह चाहे, जिधर भी चाहे घुमा सकते हो। कुछ इस तरह लग जाएगा, इसको आप ऊपर नीचे चारों तरफ ऐसे 360 डिग्री में उल्टा सीधा किसी भी तरह घुमा के आप इसको हर एंगल से एडजस्ट कर सकते हो, जो कि एक बड़ी बात, अच्छी बात है। कुछ इस तरह हर मोड से आपको हर एंगल में फिट होता है, घूमता है। फिर आप इसको यहाँ से इस तरह खोल सकते हो सिंपल। आपको पूरा ट्राईपॉड को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधा यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। हाँ दोस्तों, तो आप इसे फ्लेक्सिबल इजीली इसको फोल्ड कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इजी से इसके लेग्स रिमूव करके एक एक टाइट एडजस्टेबल करके इसको आप इसे ऐसे टाइट करके अपना एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये वन बाय वन इसका स्टैंड रिमूव करके आप टाइट करके अपने हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से इसको एक्सपेंड करके यूज़ कर सकते हो। इसकी हाइट में आपको लास्ट आखिर में बताऊंगा फ्रेंड्स कि इसकी हाइट कितनी है। इस पर आप कैसे इसको फिर से आप अंदर इसको ऐसा ओपन करके स्टैंड को इंसर्ट अंदर करके आप फिर लॉक करके कर दे सकते हो कुछ इस तरह। तो ये है दोस्तों, आप इसने देखा है इसमें
एडजस्टेबल पैनल्स है जो इसको आप हर तरह से लूज करके इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ से भी इसको रिमूव करके लूज करके आप ऊपर नीचे घुमा सकते हो। मल्टीपर्पज़ है फ्रेंड्स, और जो वैल्यू में ये आता है अमेज़न से, अगर आप अच्छे अच्छे ब्रांड भी अगर 1,500, 2,000, 3,000 तक भी ट्राईपॉड लेते हैं तो उसमें ये फीचर्स ये फैसिलिटी नहीं रहती है, जो ये एक बजटेड ट्राईपॉड में आपको ये सब मिल जाएगा। इसकी और एक ख़ास बात ये है फ्रेंड्स, इसके आप यहाँ से भी इसका हाइट एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ स्टैंड ही करना है तो इसको आप इसको इस तरह ऊपर करके कुछ इस तरह आप यहाँ पे टाइट करके अपने हिसाब से इसको टाइट करके इसकी हाइट बढ़ा सकते हो। ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको। ये इंडिकेटर बताता है कि आपका ट्राईपॉड लेवल में स्टैंड हुआ है नहीं या फिर क्रॉस है। ये भी एक अच्छा फ्यूचर है इस ट्राईपॉड में।